अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हतीन जनचोली वह भंगूरी में शराब के ठेकों को लूटपाट व चोरी के मामले में गिरफ्तार चारों बदमाशों को पुलिस रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने चोरों से भंगूरी व जान चोली ठेके से चोरी की गई शराब की दर्जन भर पेटियां, लोहे की राड तथा उस कार को भी बरामद किया जिसमें शराब की बोतलें चोरी करके तस्करी के लिए ले जाते थे। हतीन वाहन चोरी निरोधक दस्ता टीम इंचार्ज मोहम्मद यासिर को सूचना मिली थी कि रात को शराब के ठेकों में शराब की चोरी करने वाले चार के कार में सवार होकर स्वामी का गांव के समीप ठेके को लूटने की योजना बना रहे हैं। मोहम्मद यासिर ने टीम का गठन कर बताए गए स्थान पर छापे की कार्रवाई की गई। वहां से पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों का नाम ताहिर निवासी हंचूपुरी, मुकीम उर्फ मुक्कम निवासी नवाबगढ़, आसिफ निवासी भिवाड़ी तथा हतीन गाँव का मोहम्मद का निवासी आमिर बताया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने चोरी की गई शराब की पेटियां, एक स्विफ्ट कार व लोहे की राड को अलग अलग स्थानों से बरामद किया। रिमांड के बाद पुलिस ने आरोपित को हतीन की अदालत में पेश किया गया, जहां अधिकारी सहायक सब इंस्पेक्टर हुकुमुद्दीन ने बताया कि इस गिरोह के दो अन्य आरोपी फरार हैं। पूछताछ के दौरान दो नामों का खुलासा हुआ है, इन्हें पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। हमने मुकदमा नंबर 191 डेट 29/6/2018 अंडर सेक्शन 380 IPC PS हतीन में गिरफ्तार किए थे, जो बरामदगी के लिए आरोपियान को एक दिन पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। जो दौरान रिमांड आरोपियान से वारदात में प्रयोग की गई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी व 18 पेटी शराब और एक लोहा राड जिससे ठेका को आरोपी तोड़ते थे वो बरामद किए। तो ये जो भंगूरी से और जनाचौली से दोनों ठेके लोटे भंगूरी वाले ठेके में दो आरोपी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी बताया है। इन्हें आज अदालत में रिमांड समाप्त होने के बाद पेश किया जा रहा है। हतीन से सुखदेव तेवतिया की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरिया।